बच्चे पोपट एक वो सब गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत टाइम बाद वापस आया हूँ मैं, क्योंकि इट्स बिकॉज मेरे पास 3 से 4 व्लॉग जैसे पेंडिंग पड़े थे, तो उनको एडिट किए मैंने रात को, कल नहीं परसों तक रात को मैंने दो दिन में सब, हाँ 3 व्लॉग एक साथ पड़े हैं मेरे पास, क्योंकि एक है वेडिंग का व्लॉग, एक है कैंप का व्लॉग और एक है मेरे एक फ्रेंड की शादी का व्लॉग है ना, तो उसके लिए मुझे करना पड़ा। और अभी 2 या 3 4 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मगर आज से कंसिस्टेंट वापस हो जाएंगे हम। आपको लग रहा होगा कि हम टकले हैं, नहीं हम टकले नहीं हैं, ये स्टाइल है भाई। आज हो गए लेट क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें करनी है हमको। सुबह उठ के भी मैं व्लॉगिंग की एडिटिंग ही करा था, तो अभी जाएँ हम कॉलेज। चलो फटाफट से बस में मिलते हैं आपको। फाइनली बस मिल गई, आज मुझे निकलते बस मिल गई, और फिर खाली बस, बिल्कुल खाली बस है ना, तो आज हम आराम से जाएंगे शहनशाहों के, ठीक है। तो डर मिलते कॉलेज में, ओके दादा। बोला कि अब मैं गीतांजलि नहीं छोड़ेगा, मगर उसने यहाँ बीच में उतार दिया, उसको बोला कि पीछे सिटी बस आ रही है, जाएगी नहीं। अब देखते हैं कहाँ आ रही, कौन सी आ रही सिटी बस, देखते हैं थोड़ा भाई। आज का कॉलेज रेंद हो गया कत्तब है। तो हम आ गए हैं कॉलेज में वापस। ये भाई पता है इसके वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था, तो मतलब कुछ मज़ा नहीं, खाली खाली बोलता ना, खाली खाली लग रहा था मुझे, जैसे मैं चल रहा हूँ भाई मुझे ब्लॉग करना है, तो यार आदत पड़ जाती है। सोचो मैं इतने कम ब्लॉग्स डाले फिर भी आदत पड़ गई, अब मतलब मुझे डालने ब्लॉग जैसा, तो सोचो जो इतने सालों से डाल रहे हैं उनका क्या होता होगा, कि भाई वो तो रह नहीं सकते होंगे है ना। तो आज से वापस ब्लॉग डालेंगे, तो अभी चलो फटाफट से क्लास में पहुँचते हैं। और हाँ मुझे पता है आज मैं चंपू लगाऊँ थोड़ा सा, करना पड़ता है थोड़ा है ना, बाल तो वापस आ जाएंगे यार है ना। चलो फिर कॉलेज चलते हैं। अभी थोड़ा सा स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा था, आपको थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग भी, इंटरेस्टिंग क्या बोलूँ, अच्छा लगेगा वैसी क्लिप्स मिलेगी तो है ना। और इस बार अपने फुटबॉल के अंदर भी शायद दिन में प्रैक्टिस हो सकती है, जो भी है देखते हैं ना। मैं अपन फिर बात करते हैं। चलो सीनियर से मिलाते, विद्या भवन में भी था साथ में हमारे ठेपले। आप क्या लाए, आलू मटर, व्हाट्सएप नहीं झूठी पता नहीं सच्ची पूछ ला, हेलो आप सॉरी इनका नाम नहीं पता मुझे, आपका नाम क्या, मनीषा हेलो तो मेथी के पराठे खाने मुझे मुझे सास सॉस सास इधर होता है सास क्या कहो मेथी विद मेथी, यस मेथी क्या कैंटीन से लाना था वाह, ऊपर आगे भूल गया भाई माँ दीदी क्या नाम यार ठीक ता गंदा नाम कौन कह रह सकता है उसको, खड़ी रहने क्या उसको बच्चे पोपट माय नेम इज पलका लोठा, ये बात और इंट्रोडक्शन दे दे, इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक आईडी यस तेरा लेना बाकी है, रुक तो किसका मेरा तेरा टैगिंग लूंगी जूनियर इंट्रो हेलो आपको इंट्रो पता नहीं है, आपको नहीं पता ना, हां इनका लेना मन था मगर आप तो क्या है यार उन्होंने बनाता है एकदम काटना पड़ेगा गली में
मेरे ऊपर पानी भी क्या यार गैस में भी ड्रॉप आया हुआ है बस में लड़की आती थी वो पीछे किससे बात अरे वो भैया मेरी बस में तू अरे भैया मैं कर रहा कौन पता नहीं कहीं पता कौन है कौन सी लड़की बोले बोल ना जो उसको तो बनने को बनेगा ठीक है कहीं करना है रे हे व्हाट्सएप प्रेम ये हमारे क्लास का प्रेम है प्रेम प्रेम चल डरना नहीं मगर इनके आगे आके मरना मरना तो भी लंबा कहाँ तड़ी है लंबा और पतला है एनसीसी वाले ठीक ट्रैक पे पहन के आते हैं Hey, what's up guys? तो मैं कॉलेज से घर जा रहा हूँ आगे मैं कॉलेज से अच्छी बात यह है कि मैं ना फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया इंटर कॉलेज नहीं बोल सकते इसको इंटर ब्रांच फुटबॉल में हो गया सिलेक्शन क्या वो बताता हूँ मैं नहीं अभी नहीं बताऊँगा घर पहुँच के आराम से बताऊँगा है ना तो अभी अभी चल रस्ते पे मज़ा बोला है आज खाली जैसे बता दो कि मुझे खाली 10 मिनट खेलने दिया बस फिर मुझे बाहर निकाल दिया मिलता है गाइस व्हाट्सअप मैंने अभी जस्ट जिम पूरा किया है अब मैं जाऊँगा देखते क्या है खाने का देखते क्या करते हैं दवा का प्रोटीन डालना है कि भाई अब चल रहा है गेनिंग बहुत अच्छा वाला है ना बहुत वो पतला बहुत हो गया वापस से चालू होगा गेनिंग है ना इसमें गेनिंग है वापस से एब्स का वर्कआउट चालू हो गया खतरनाक वाला चेस्ट का हो गया है बढ़ जाएगा देखो आगे बोला बोला पता लगा बढ़ जाएगा कोई टेंशन नहीं है ठीक है आपसे घर पर मिलता हूँ ओके व्हाट्सअप तो फाइनली गाइस ये ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है तो एक्चुअली ये बात ये थी कि अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या ठीक है ना तो एक्चुअली तीन से चार या पाँच दिन पहले मैं वेडिंग से आया सारी जो भी है उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ से आते ही कैंप चला गया कैंप से आते ही मतलब नहीं पहले हाँ वहाँ से कैंप चला गया उसके बाद मेरे कॉलेज चालू हो गए फिर वो टाइम नहीं मिला ठीक है और उसके बाद एक जगह कहीं घूमने चला गया था मैं तो इसलिए मेरे पास टोटल तीन अभी व्लॉग पड़े हैं एक मेरे फ्रेंड की वेडिंग के एक खुद कोटा में एक खुद कोटा में वेडिंग थी मेरी सिस्टर की उसकी और एक मैं कहीं घूमने गया था उसका ठीक है अब मेरा ये हो गया कि मैं डालूँ तो कौन सी डालूँ ठीक है तो मैंने सोचा है कि उसको एक ऐसा मैं करूँगा कि उनको एक नया करके डालूंगा पूरा मैं तो आज से आप जो भी ब्लॉग देखेंगे तब से अब से ब्लॉग डालूंगा मैं रोज़ के रोज़ डालूंगा और पक्का डालूंगा एक भी दिन मिस नहीं करूंगा मैं आपको ताकि मज़ा आता रहे और मैं नॉर्मल लाइफ में क्या क्या करता हूँ मैं वो अब पता लगता है और
एक और बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि आज हमारे कॉलेज के अंदर फुटबॉल का वो था, हाँ ट्रायल था, तो उसके अंदर जैसे हमको चलो ठीक है 11-11 करके खेलने को बोला, ठीक है। तो जो सेलेक्टर्स हैं, मतलब सेलेक्टर्स क्या जो भी हमारे सीनियर थे, वो बाहर ही खड़े हुए थे और कुछ अंदर खेल रहे थे मेरे साथ, ठीक है। अब मुझे क्या किया, खाली 10 मिनट खेला, ठीक है, मतलब 10 मिनट यहाँ से खेला है, यहाँ से वहाँ से थोड़ा करा और सीधा बोला बाहर आ जाओ। मैं गया भाई, मुझे लगा कि क्या हुआ भाई, बाहर आऊँ क्या, मुझे बाहर कर दिया है। तो नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं वो फुटबॉल में तो हुई हूँ पक्का, ठीक है। फिर बाद में पता चला वो तो उन लोगों को बाहर निकाल रहे थे कि जिनको बहुत अच्छा अच्छा आता है। मैं तो भाई खुश हो गया अंदर से, मगर नहीं, अपन सख्त लौटना है, मैं सख्त लौटना है, मैंने खुशी जाहिर नहीं की वहाँ पे, है ना। फिर बात है शूट मारने की, ठीक है, शूट मारने की बात है, सब मार रहे हैं। मैंने सोचा कि भाई यार अच्छे, यार अच्छे मार, देखते हैं मारते हैं। अब मेरा क्या हुआ कि मैं MMA करता हूँ और फुटबॉल खेलता था, तो वो मिक्स हो गया। फुटबॉल के सारे एंगल चेंज हो गए, है ना। तो मतलब पावर इतनी अच्छी आ रही थी, मतलब शक पीच पे से निकली थी, इतनी जोरदार पावर आ रही थी, मगर एंगल का सत्यानाश, है ना। तो फिर मैंने काम किया, मगर हाँ फिर भी मुझे मेरी पावर से लिया और स्किल्स के थ्रू ही लिया मुझे, मुझे अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि ये बताना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे मतलब इतनी खुशी, मतलब कि मैं इसके पहले क्रिकेट के ट्रायल पे भी गया था, मगर क्रिकेट ट्रायल में हुआ नहीं मेरा, कि मुझे पता है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे चला गया टाइम पास करने के लिए हिसाब से, मगर मेरा मेन मोटिव था फुटबॉल के लिए, तो मेरा फुटबॉल में हो गया, ठीक है। अब ये है कि अब देखते हैं क्या करते हैं, और खेलेंगे अच्छा वाला, बहुत अच्छा खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो फाइनली अब चलो मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ, बहुत लेट हो गया है, अभी बज रही है 11:30 हो रही है PM AM नहीं, है ना। तो अगले ब्लॉग में आपसे मिलता हूँ, प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना, और बाकी ब्लॉग को भी लाइक करना। इसके पिछले वाला जो ब्लॉग था फ्रेंड्स के ऊपर, वो बहुत अच्छा, मैंने बहुत मेहनत की थी उसके ऊपर, प्लीज़ उसको देखना, अपना प्यार देना, थैंक यू वेरी मच। इस ब्लॉग को देखने के लिए, बाकी सारे ब्लॉग्स को देखने के लिए प्लीज़ शेयर करो, फैला दो, मैं बोलता हूँ फैला दो, रायता फैला दो मेरे ब्लॉग का, है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाया करूँ। कंटेंट इन सेंस कि मैं रोज़ रोज़ क्या करता हूँ, कभी क्या हो जाता है मुझे पता नहीं, मगर हाँ सरप्राइजेस आते रहते हैं। अभी तो स्पोर्ट्स भी आ रहे हैं, तो मज़ा भी आएगा, देखते हैं कि किसी स्पोर्ट्स में फर्स्ट आता हूँ। मैं हर स्पोर्ट में फर्स्ट आने की कोशिश करूँगा, बस थोड़ा जैसे टेबल टेनिस हो गया, इन सब में मैं नहीं आऊँगा, बाकी सब में ट्राई करूँगा, मैं सब में आऊँगा मैं। हाँ एक और वॉलीबॉल है उसमें शायद, क्योंकि देखते हैं क्या है। हाँ तो चलो कल जल्दी उठना है, ट्रेनिंग भी कराना है, और अभी ब्लॉग एडिट भी करना है, है ना। और बाकी जो वो 3 ब्लॉग का है वो मैं आपको सीरीज वाइज दे दूंगा, या जो भी डाल दूंगा, कभी ऐसे ही अच्छे स्पेशल ओपिनियन ब्लॉग, स्पेशल ओकेशनल ब्लॉग्स होते हैं उसमें डाल दूंगा। हाँ उसमें से एक ब्लॉग डालूंगा मैं, जो कि मैं कहीं बाहर घूमने गया था, अपना घूमा भी था, ब्लॉग भी बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू, ओके बाय बाय।